संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने रचनानुवाद कौमुदी को शुरू किया है और दो अभ्यासों को हमने जान लिया है। उम्मीद है आपको वो बड़े ही लाभकारी सिद्ध हो रही होंगी और आपने पुस्तक भी अब तक खरीद रखी होगी। कुछ लोगों पर तो पहले से ही है कि रचनानुवाद कौमुदी संस्कृत के विद्यार्थी पर अगर रचनानुवाद कौमुदी ना हो तो वो मुझे लगता है कि संस्कृत का विद्यार्थी है ही नहीं, क्योंकि रचनानुवाद कौमुदी से ही चीज़ों की अनुवाद की शुरुआत होती है और लगभग प्रत्येक विद्यालय में इसको जरूर ही इसको पढ़ाया जाता है। तो इसमें अब हम तीसरे अभ्यास पे चलते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेंगे इसमें। और आपको मैंने शुरू में बता भी दिया है, हमने प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष का अध्ययन कर लिया है, अब आज उत्तम पुरुष का अध्ययन किया जाएगा। उसी में इसमें दे रखा है अहम आवाम वयम, यानी कि मध्यम पुरुष अस्मद के रूप जो होते हैं वो अहम आवाम वयम, एक वचन द्विवचन और बहुवचन में। अब पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का भी हमने अध्ययन कर लिया है, आज स्त्रीलिंग की बारी है। तो रमा इसमें मुख्य है, रमा के रूप याद करने हैं, रमा लक्ष्मी बाला कन्या लता कथा क्रीड़ा पाठशाला विद्या, ये सभी रमा की तरह ही रूप चलेंगे। हमने धातु रूपों को भी जाना है, भवती के तुल्य जो चलते हैं, इसमें थोड़ा सा ही अंतर पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा सा समझाता चलूं। हालांकि पुस्तक में सब कुछ है लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखते चलेंगे। अनुवाद यहां डाल देते हैं, अभ्यास इसे किसी में नहीं डाला, ये प्रथम ही बार डाल रहा हूं, अभ्यास तीन, ठीक है। इसमें दृश्य दे रखा है, स्था सद पा घ्रा स्मृ जी, ये धातु शब्द दे रखे हैं, इनके जो रूप चलेंगे वैसे इसमें दे रखे हैं, फिर भी मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि इस नजर कभी कभी नहीं पड़ पाती है। ये नीचे दे रखे हैं, दृश्य का पश्य स्था का तिष्ठ सद का सीध पा का पेव, इस तरह से। तो दृश्य का क्या हो जाएगा, पश्य हो जाएगा और स्था का तिष्ठ हो जाएगा, सद का सीध हो जाएगा, पा का पिब हो जाएगा। आगे दे रखा है इसमें जिग्र और इसका रूप जो चलेगा स्मृ का स्मरति, स्मृति स्मरता स्मरंती स्मरसी स्मरथा स्मृत स्मरामी स्मरावाह स्मरामः, इस तरह से रूप चलेंगे। जी का जो रूप चलेगा वो जयति जयति जयता जयंती जयसी जयथा जयत जयामी जयावा जयामः। अब हमको तीनों के रूप याद हो जाना चाहिए, लट लकार में प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हो गया है हमारा। इसके रूप ऐसे चलेंगे बिल्कुल जैसे कि तैसी, पश्यति पश्यता पश्यन्ति पश्यसि पश्यता पश्यत पश्यामी पश्यावा पश्यामा, ऐसे इसके तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, इसी तरह से सीध के सीधति सीधता सीधन्ति सीधसि सीधता सीधत सीधामि सीधावः सीधामः, पिबति पिबतः पिबन्ति पिबसि पिबतः पिबत पिबामि पिबावः पिबामः, एक जैसे ही रूप चलेंगे। जिग्रति, जब तक ये थे तब तक थोड़ी सी समस्या आ रही थी, अब उसके बाद में ये भवति के ही समान चलेंगे, इसको जानने के बाद भवति के तुल, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर थोड़ी सी चीजें बदली हैं, वर्णमाला कोष्ठ में पारिभाषिक नाम है, इन्हें शुद्ध स्मरण कर लें, अर्थात यहां कुछ वर्णमाला दे रखी हैं और कोष्ठक में उनके नाम दे रखे हैं। जैसे स्वर दे रखे हैं आ ई उ रि ली, रस स्वर है ये, ए ई ओ औ ये मिश्रित स्वर के नाम से जाने जाते हैं, आ ई उ रि ये दीर्घ स्वर के नाम से जाने जाते हैं, इनको भी हमने अध्ययन करा दिया है संज्ञा में, संज्ञा प्रकरण में, तो मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा, आप उससे भी जाकर के अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन इससे भी आप अध्ययन करते चलें, ये पुस्तक आपको संपूर्ण ज्ञाता बना के छोड़ेगी, ये मान के चलिए, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है।
ऐसे ही व्यंजनों के बारे में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग इस तरह से दे रखा है। इसमें सूचना प्रथम वर्ग, प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर, तृतीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर इस तरह से गिनतियों के नाम दे रखे हैं। आगे संधियां आएंगी इसमें वर्ण वर्ग ना दे करके 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से गिनती दे जाएंगी। ठीक है, इसमें धातु के साथ साधारणता नियम दे रखा है। इसमें 8, 7 हम पढ़ चुके हैं। अचहीन पर्ण संयोजन 7वां था, 6 पहले पार्ट में थे। अब इसमें है स्मृति जो धातु है साधारणता उसके साथ में द्वितीय विभक्ति का ही बात आती है, लेकिन जब वो खेद पूर्वक किसी को याद करता है तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग देखा जाता है। ठीक है ना, ये अभ्यास 14 में हम अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा। इसमें साफ दे रखा है पाठम स्मृति, ईश्वरम स्मृति, लेकिन माता को याद करता है तो मातु स्मृति, क्योंकि माता को दुख के कारण, बच्चा जो छोटा है वो कोई ना कोई उसको भूख लगी है या कोई और कारण हो सकता है तो माँ को याद कर रहा है, तो बहुत दुख है, खेद है। ठीक है, चलिए उम्मीद है बात समझ में आ गई होंगी। रमा के आपको रूप याद करने हैं, रमा रमे रमाह, रमाम रमे रमाह, प्रथमा यानी प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति कर्ता और कर्म, भू के भवामी भवावाह भवामह, क्योंकि यहां पर अब अस्मत का ही हम अध्ययन करेंगे और इसमें कुछ नहीं है। इसमें अव्यय जो बचे इतः ततः, यानी कि जो भी शब्द हैं वो पंचमी व्यक्ति की तरह रूप चलते हैं इसके, यतः ततः कुतः किम कथम न, यहां से वहां से कहां से शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो वो विसर्ग के साथ कुतः ततः यतः लगा जा रहा है। ठीक है, उम्मीद समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं सीधे। इसमें लिख लेते हैं हम भवामी भवावह भवामह। ठीक है, इसी की तरह हमें सभी के रूप लगाने हैं। अब इसमें पहली दे रखा है कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, तो मैं कि हमने जानते हैं कि अहम होती है, अहम पठामी, पठ धातु है पठामी, पठावा पठामा, गम धातु है, गम का गच्छ हो जाता है गच्छामी गच्छावा गच्छामा, एक जैसे ही रूप चलेंगे। और इसके देखिए इसमें भी रूप दे रखे हैं भवामी भवावा भवामा। अब हमें तीनों के याद हो जाना चाहिए, अगले जो अभ्यास आएगा चौथा उसमें तीनों को एक साथ प्रयोग किया जाएगा। अब हम तीनों में लगभग पारंगत हो चुके हैं ये माना जा रहा है, इसलिए कपिल द्विवेदी जी ने जो चौथा अभ्यास दिया है वो सबको मिलाकर के पीछे के तीनों अध्यायों को मिलाकर के अध्ययन कराने का प्रयास किया, फिर आगे सभी प्रयोग चले हैं। आगे दे रखा है इनमें हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। अब हम दोनों पढ़ते हैं तो दो है, द्विवचन का प्रयोग होगा, अहम आवाम, पढ़ते हैं जब द्विवचन है तो क्रिया भी, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार ही लगती है कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार लगती है, वो बाद का विषय है। तो जब यहां द्विवचन है तो हमें पता है कि एक वचन में प्रयोग कर रहे हैं हम, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है, तो हमारे द्विवचन में भवावह है तो क्या जाएगा पठावह, आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। ऐसे इसमें दे रखा है कि हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग शब्द लग गया है इसमें, हम सब पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं मैं पहले ही बता चुका हूं, तो क्या आ जाएगा अहम आवाम, अब आएगा वयम, वयम पढ़ते हैं, पठती पठामी पठावह पठामह, क्योंकि हम उत्तम पुरुष का कर रहे हैं। कभी कभी गलती से ये अभ्यास का विषय है, ऐसा नहीं क्योंकि जानता नहीं है, अभ्यास का विषय है, कभी कभी गलती से मध्यम पुरुष का भी और उसका भी प्रयोग हो जाता है प्रथम पुरुष का, पढ़ते हैं। तो हमें पता है कि बहुवचन का प्रयोग है तो बहुवचन में भवामहा है तो पठामहा,
ठीक है, वयम पठामः, इस तरह से ये रूप चलेंगे। अब हम सीधे संस्कृत बनाव पे आते हैं। आपके पास पुस्तक होगी, उससे अध्ययन अवश्य करें, मैंने बताया है, पुस्तक जरूर खरीद लें, नहीं है तो उसको, क्योंकि अगर आपको अनुवाद में, ये टीजीटी पीजीटी में बहुत आते हैं और 2 से 3 नंबर के अवश्य रहते हैं, इसी में वाच्य प्रवर्तन भी आता है। जब इसमें हम पारंगत हो जाएंगे तो वाच्य प्रवर्तन तो एक खेल माल ही रह जाएगा, उसमें कुछ नहीं है, इसको कई बार करना है, एक बार से नहीं हो पाएगा। अब मैं ऐसे ही इसको बोलने का प्रयास कर रहा हूं, मैं लिखता हूं, तो लिखने के लिए लिख आती है, ठीक है, हम अध्ययन कर चुके हैं, लिखामी लिखावा लिखामा, तो अहम, मैं एक हूं, अहम लिखामी, मैं यहां बैठता हूं, सदमानी बैठना होता है, और सद की हमने जानी थी सीध हो जाता है, सीधामी सीधावा सीधावा, इस तरह से हो जाएगा, तो मैं यहां बैठता हूं, इसको देख लेते हैं, मैं यहां बैठता हूं, ठीक है, तो अहम अत्र बैठने की, क्योंकि मैं अहम एक वचन है, तो सीदामी अहम अत्र सीदामी, तिष्ठमानी भी बैठना होता है, बैठना होता है, लेकिन हम सीदामी लगाएंगे इसमें, उसका ठहरना भी अर्थ होता है, ठीक है, अहम अत्र सीदामी, अहम अत्र है तो इसको मिला भी सकते हैं हम, इसको अहम अत्र सीदामी। आगे है मैं यहां से आता हूं, तो यहां से हमने जाना था वहां से, यहां से नहीं वहां से, तथा, तो मैं वहां से आता हूं, मैं वहां से आता हूं, अहम ततः आता हूं, क्या बनेगा, आगच्छामि, सीधा प्रयोग हो जाएगा। अगर इसको और संधि में ही प्रयोग करना है तो ततः पहले ले आएंगे हम, तो ततः अहम आगच्छामि, तो इस तरह इसको ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, ज्यादातर जब हम साहित्य का अध्ययन करते हैं तो वो ऐसे ही प्रयोग करते हैं, जहां जितनी से ज्यादा संधियों का प्रयोग किया गया है, शब्दों को बड़ा करने का जो प्रयोग किया गया है वो साहित्य में किया गया है, इसलिए समस्या हो जाती है, तथा अहम आगच्छामि, इस तरह से ये प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। मैं लता को देखता हूं, अहम लताम पश्यामि, मैं फूल सूंघता हूं, कुछ कुछ बीच बीच में छोड़ छोड़ के बता रहा हूं, मैं फूल सूंघता हूं, अहम पुष्पम जिघ्रामि, बस इसमें और कुछ नहीं है। अब देखते हैं, हम दोनों पाठशाला जाते हैं, पाठशाला की विद्यालय भी आती है और पाठशाला की पाठशाला भी आती है, केवल ये दोनों ही लगा सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि स्त्रीलिंग का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए विद्यालय का प्रयोग नहीं करेंगे हम, पाठशाला का ही प्रयोग करेंगे। हम दोनों पाठशाला जाते हैं, ठीक है, हम दोनों अहम आवाम पाठशाला, अब पाठशाला का द्विवचन क्या होगा, रमा रमे रमहा रमाम, तो पाठशालाम एक वचन का प्रयोग हो जाएगा इसमें कर्म में, क्योंकि 2-3 पाठशाला नहीं है, एक ही है, जाते हैं तो कितने लोग जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, 2, तो द्विवचन का प्रयोग होगा, यानी कि गच्छावः, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, द्विवचन में गच्छावः, जाने की, जाने के, इनमें और कुछ उन्होंने दिए है क्या, नहीं है,
जाने की बहुत सारी होती हैं, लेकिन देख रहा था इसमें कौन कौन सी हैं। आगे देखिए, हम दोनों लता देखते हैं, तो वही आ जाएगा आवाम लताम पश्यावहा। हम लोग सत्य बोलते हैं, बहुवचन का प्रयोग हो गया ये। हम लोग सत्य बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग वयम सत्यम, बोलने की वद होती है, हमने पढ़ा है पीछे, ठीक है। वदावहा वदामहा, क्योंकि बहुवचन है, बहुवचन है तो वदामहा, तो बदामी वदावहा वदामहा बहुवचन का प्रयोग होगा। इनका बड़े याद रखना, ये बहुत ज्यादा भूल जाते हैं, इनका बहुत ही याद रखना है हमें। यहाँ एक चीज है इसमें, इसको जरूर देखेंगे, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। हम लोग यहाँ, इसको मिटा दिया जाए, क्यों बैठे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, तो हम लोग हमें पता है बहुवचन हो गया वयम, अभी ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। अब यहां की अत्र आती है, तो हमें मालूम है स्वर है, इसलिए इसको व्यंजन ना करके, उसको अनुस्वार ना करके पूरा मान लिखेंगे। अहम अत्र, क्योंकि, क्योंकि कथम, कथम माने क्यों और कैसे दोनों होता है, कथम बैठे हैं। सीध सद मानी बैठना, तो बहम है सीधामी सीधावा सीधामहा, बहुवचन है सीधामहा। वयम अत्र कथम सीधामहा, इसको जोड़ भी सकते हैं, इसको अलग भी रख सकते हैं, ये मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। वयम अत्र कथम सीधामहा, क्यों बैठे हैं। देखिए यहां पर क्योंकि, कथम मानी क्यों है और कैसे, दोनों का प्रयोग करेंगे, इसलिए अव्यय शब्द को आप याद कर लीजिए, अव्यय शब्द ही बहुत प्रयोग होते हैं इसमें। चलिए अंत में रह गया है, वह क्या याद करता है, वह क्या याद करता है। अब देखिए यहां पर हम अध्ययन तो कर रहे थे उत्तम पुरुष का, लेकिन वह जो शब्द है वो उत्तम पुरुष का नहीं है, वो किसका है, प्रथम पुरुष का है। क्यों, क्योंकि हमने प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष का अध्ययन कर लिया है, इसलिए पीछे के भी अब दिमाग में आ जाएं, इसलिए इन्होंने ये बात रख दी है। तो सह, हमें पता है कि वह की संस्कृत सह होती है, करता है, और हमें पता है कि पुल्लिंग का है, तो सह क्या याद करता है, तो क्या की कहा जाएगी, किम याद करना, की याद करना, स्मर, स्मर मानी याद करना, इसमें पूरा बात के लगेगा, स्मरण करना या याद करना, तो सह किम स्मृति, ये सीधा वाक्य बन जाएगा, सह किम स्मृति। आगे दे रखा है, वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं, वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं, तो वे लोग शब्द है, याद रखना है, साहा तौ ते बहुवचन का प्रयोग हो गया, प्रथमा का बहुवचन, ते जलम, क्योंकि हमने जाना है कथम मानी क्यों, कथम नहा, ना मानी नहीं इसमें है, ठीक है, ना पीते हैं, तो पिबती पिबता पिबंती बहुवचन, क्योंकि बहुवचन है ते, इसलिए इसमें भी बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, पिबंती, ठीक है। ते जलम कथम ना पिबंती, वे जल क्यों नहीं पीते हैं, साफ आ रहा है क्या ये, ठीक है।
आगे है तुम कहां से आ रहे हो, इसमें दो तीन है, इसको मैं पूरा ही बनाऊंगा, ठीक है। और समय बहुत जल्दी से दौड़ता है। वह यह है तुम कहां से आ रहे हो, ठीक है, तुम कहां से आ रहे हो। तो इसमें देखिए पहले तो उन्होंने ले लिया वो वाक्य प्रथम पुरुष का, ये क्या आ गया मध्यम पुरुष। तो तुम कहां से शब्द लगा हुआ है, कुत्र माने तो कहां होता है लेकिन कहां से कुतः, ठीक है ना, आ रहे हो, जाने की गच्छ होता है, आने की आगच्छ होता है, और तुम लगा हुआ है आगच्छसि, तुम कहां से आ रहे हो, तुम कुतः आगच्छसि, ठीक है। ये विसर्ग ग्राम लगेगा इसमें क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, हालांकि संस्कृत में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आगे है हम वहां से नहीं आ रहे हैं। अब देखिए एक चीज आ गई इसमें नई, हम वहां से नहीं आ रहे हैं। हम ये आ गया मध्यम पुरुष का, ये आ गया उत्तम पुरुष का, अहम से तत्र मानी वहां होता है लेकिन ततः, ततः मानी वहां से, ततः न, अब आ रहे हैं आगच्छामि। अब यहां पर एक चीज और है, थोड़ी सी देखने की बात है कि मैं वहां से नहीं आ रहा हूं, इस तरह से तो अहम का प्रयोग हो जाता, लेकिन हम वहां से नहीं आ रहे हैं तो बहुवचन का ही इसमें प्रयोग होगा, अहम आवाम वयम, ठीक है, वयम ततः न आगच्छामि आगच्छावा आगच्छामः, ठीक है, न आगच्छामः, वयम ततः न आगच्छामः, इसमें संधि हो जाएगी, नाधन आगच्छामः, इस तरह से, तो ये दोनों एक हो जाएंगे, दीर्घ संधि हो जाएगी। मैं वहां से आ रहा हूं, अच्छा ये है, हम वहां से नहीं आ रहे, मैं वहां से आ रहा हूं, इसमें देखिए मैं वहां से आ रहा हूं, यहां पर बहुवचन का प्रयोग करा लिया, यहां पर एक वचन का ही आ जाएगा, तो अहम तथा आगच्छामि, ठीक है, इस तरह से ये आपके वाक्य बन गए हैं। अब शुद्ध और अशुद्ध आपको देखने हैं, शुद्ध करो और नियम बताओ, शुद्ध करेंगे और नियम बताएंगे तो आपको अभ्यास में आएगा। इसी तरह से इसमें दे रखे हैं कि दृश सद स्था पा घ्रा के लट लकार के तीनों रूपों में, तीनों के तीनों उसमें पुरुषों में लट लकार में वाक्य बनाइए, बाला लता विद्या कथा क्रीड़ा के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप लिखिए, पश्यामि तिष्ठामि सीदामि पिबामि जिग्रामि इतः तथा कुतः वाक्य बनाइए इनसे संबंधित, और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस तरह से ये पूरा आपको करना है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी समझाने की, और समझाना भी पड़ता है थोड़ा सा क्योंकि कुछ लोग नए हैं और कुछ अध्ययन कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा लाभ मिले। आज के लिए इतना ही।